गुड मॉर्निंग क्लास 12, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। हम लोग 12 नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट क्लास हमने फोटोन्स के बारे में पढ़ा था। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन पार्टिकल्स, ओके, फोटोन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। फोटोन पार्टिकल्स का जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 पॉइंट हमने लिखा भी था। आज हम डिस्कस करेंगे कि द रिलेशन बिटवीन वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विच आर वेरी स्मॉल, दे आर हैविंग पार्टिकल नेचर बिकॉज ऑफ देयर मास एंड दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद अ वेवलेंथ बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस एनी मैटर इज एसोसिएटेड विद सम वेवलेंथ। कोई भी मैटर है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो, इट इज एसोसिएटेड विद द वेवलेंथ एंड द वेवलेंथ कैन बी डिटरमाइंड, ओके। तो इसमें डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, ये खास करके एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला गया है इसको, ओके। दिस डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ इज डिटरमाइंड फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन is given by E is equal to h nu, ठीक है। तो फोटोन है, फोटोन बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल ऑल्सो, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला है, उसको कहते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला। इसी फोटोन का अगर मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला अगर लिखे according to Einstein's mass energy equivalent relation, according to Einstein's mass energy equivalent relation, equivalence relation, E is equal to mc square, where m is mass of the photon कह सकते हैं, c is the speed of the photon, ठीक है। यहां न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है, इज इक्वल एच न्यू में न्यू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, यू जस्ट नोट डाउन इट, आई विल रब इट। देखिए, अगर दोनों का एनर्जी को इक्वेट हम करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज लाइक न्यू इज इक्वल टू, ओके, एम सी स्क्वेयर बाई एच, तो न्यू का मतलब है कि सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर बाई एच, ओके। तो इसका मतलब है कि लैम्डा वेवलेंथ, सी इज द स्पीड,
ठीक है. सो लैम्डा इज इक्वल टू द वेवलेंथ एसोसिएशन विद ए फोटोन. द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन ये सी सी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज एच बाई एम सी. यही तो है एच बाई एम वी. वेलोसिटी को अगर सी भी लिखे इसको कहते हैं डी बर्गले वेवलेंथ. इसको कहते हैं डी बर्गले वेवलेंथ लैम्डा. ठीक है, एच बाई एम वी. लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी. मिटा दो. डी बर्गले वेवलेंथ अभी आया हमारा, इसको लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी कह सकते हैं, एच बाई पी कहते हैं. ये एक फेमस रिलेशन है, केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं. डी बर्गले वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट बाई एम इंटू भी, मतलब मोमेंटम हो गया पी. पी इज द मोमेंटम. इसीलिए ना हम कहते हैं कि जब भी लाइट इंसिडेंट होता है इट इम्पार्ट्स ए मोमेंटम ऑन द सरफेस. लाइट एनर्जी कंसिस्ट ऑफ फोटोन पार्टिकल्स. तो ये फोटोन पार्टिकल्स जब किसी भी सरफेस में इंसिडेंट होता है इट इम्पार्ट्स ए प्रेशर एज वेल एज इट इम्पार्ट्स ए मोमेंटम. ठीक है, तो P इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द फोटोन. ये चीज, ये फॉर्मूला एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी लागू है. जितना भी माइक्रोस्कोप, जो भी पार्टिकल की बात हम करेंगे तो ये उस पार्टिकल का वेवलेंथ हो सकता है. ठीक है, इसमें देखिए फॉर एन इलेक्ट्रॉन अगर हम लिखें फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग विथ द velocity v, which is moving with the velocity v half mv square, the kinetic energy of the electron. ये वेवलेंथ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, नॉट ओनली फॉर ए फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ भी हम लिख सकते हैं. ये फॉर्मूला जो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी, इनफैक्ट ये वेवलेंथ कोई भी मैटर का वेवलेंथ हो सकता है, प्रोवाइडेड यू नो इट्स वेलोसिटी, प्रोवाइडेड इट्स यू नो इट्स मोमेंटम. एच इज ए कॉन्स्टेंट. तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ई हम मान लेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, so that implies half, अगर हम कहेंगे m square v square by m is equal to e, हमने m m multiply करते m into v, मतलब ये हो जाएगा p square by 2m is equal to e. that implies p is equal to root under 2m e. तो ये जो डी बर्गले फॉर्मूला है, डी बर्गले वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटेन एज can be written as lambda is equal to h by p है ना, तो h by root under
टू एम ई लिख सकते हैं, ई इज द एनर्जी, ई इज द एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई रूट अंडर टू एम ई, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए एक इलेक्ट्रॉन अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव कर रहा है, उसके काइनेटिक एनर्जी ई, ओके, इफ द इलेक्ट्रॉन इज, इफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव तभी करेगा जब उसका एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, ठीक है। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन If an electron is moving with a kinetic energy due to an applied potential difference, due to an applied potential difference V, ठीक है, तो then देखिए, then E is equal to आपको E into V, energy of the electron is equal to charge of the electron into potential difference। तो उस केस में देखिए, therefore lambda is equal to जो हम H by root under 2m E लिखते हैं, इसको H by 2m e भी लिख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। देखिए इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। अगर ज्यादा ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो कम होते जाएगा। वेवलेंथ कम हुआ मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, हायर हाई फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ वो इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है इसका मतलब है इट एमिट्स रेडिएशन आल्सो, एंड द रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी एंड अ वेवलेंथ। कोई भी वेव है, रेडिएशन है, तो उस वेव का वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस दिए थे, उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ था, हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो भी बढ़ जाएगा, तो वेवलेंथ घट जाएगा। वेवलेंथ घट गया मतलब मोर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, मतलब वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एमिट करेगा। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ये सारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तब देखिए, तब इसको हम ये फॉर्मूला निकाला गया है, वैल्यू एच का वैल्यू डाल दिया गया, एम का वैल्यू डाल दिया गया, ई का वैल्यू डाल दिया गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू फाइनली कितना आ रहा है, 12.27 डिवाइडेड बाई रूट अंडर वी एंगस्ट्रम है। ये लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस अगर गिवन है, इलेक्ट्रॉन को किस पोटेंशियल डिफरेंस में मूव किया गया गिवन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहां पे याद रखना होगा कि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू, ओके, 1 एंगस्ट्रम का वैल्यू आप याद रखेंगे 10^-10 मीटर, ठीक है। (10^-10 मीटर एंगस्ट्रम को हम याद रख सकते हैं, मीटर में डालेंगे हम वैल्यू जब करेंगे, तो 1 एंगस्ट्रम जो हमने लिखा है ये 10^-10 मीटर है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ गया,
कि लैम्डा इज इक्वल टू फॉर एन इलेक्ट्रॉन लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बाई रूट अंडर वी एंगस्ट्रम। फॉर ए फोटोन भी लिख सकते हैं, फोटोन भी पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, वेव जैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, वेव जैसा बिहेव करता है। तो फॉर ए फोटोन लैम्डा, ठीक है, देखिए ये है कि द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन, ठीक है, फोटोन का लगभग आ रहा है 0.286 बाय रूट अंडर वी एंगस्ट्रम, मतलब एच एम सारा वैल्यू हमने पुट कर दिया है, वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ही अननोन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो जाएगा तो उसका वेवलेंथ निकल जाएगा। तो कोई भी एक फोटोन है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस में वो मूव कर रहा है अगर ये पता चल जाता है तब उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। एक सिंपल प्रॉब्लम मैं लिखता हूं इस चैप्टर के लास्ट में, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 volts calculate the de Broglie wavelength associated with electron, ठीक है, तो formula क्या है, lambda is equal to 1.27 into root under v एंगस्ट्रम, इसको ऐसे भी लिखा सकता है 10^12.27 इंटू 10^-10 एंगस्ट्रम के बदले -10 लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 400, ओके, तब इसका आंसर लगभग आ जाएगा 0.6135 एंगस्ट्रम। ये एक सिंपल न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में बहुत आता है इस फॉर्मूला को बेस करके, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा तो वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।